हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है धातु कार्बनों में प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। तो जो प्रभावी या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर तीन रूल्स पढ़ेंगे, जिसमें एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, एक 36 इलेक्ट्रॉन रूल है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला। तो शुरुआत हम सिर्फ अभी यहाँ पर कर रहे हैं कि जो हमारा धातु कार्बन में प्रभावी क्रमांक नियम होता क्या है, और ये तीन प्रकार का होता है जिसमें आज हम एक प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर धातु कार्बनों में प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। तो देखते हैं यहाँ पर धातु कार्बनों में प्रत्येक CO अणु धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो यहाँ पर हम इस लाइन को बहुत ही सीरियसली से देखेंगे कि इसी लाइन से हमें बहुत कुछ पता चलेगा। धातु कार्बनों में प्रत्येक CO अणु, कहने का मतलब ये है कार्बन मोनोऑक्साइड या इसको पढ़ेंगे कार्बोनिल जो अणु है वो धातु, जो भी जिस धातु से ये कार्बन जुड़े होंगे वो धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म। कहने का मतलब ये है, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो कहने का मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब है कि दो, यहाँ पर क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जब देता है। तो आगे हम देखेंगे धातु परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और CO समूह द्वारा दिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। जिन धातु कार्बनों का प्रभावी परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस के समान, जैसे कि क्रिप्टॉन 36, जीनान 54 या रेडान 86 होता है, वे कार्बोनिल प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा अक्रिय गैस के समान, तो अक्रिय गैस हमारी हमें पता है, जो कि अक्रिय गैस को हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, शून्य वर्ग गैसेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी इनके समान परमाणु क्रमांक नियम देगा वो क्या कहलाएगा, प्रभावी परमाणु नियम का पालन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि क्रिप्टॉन 36 है, जीनान 54 है, रेडान 86 है, तो जब उनका मतलब कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इतना आएगा तो वो प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स के आधार पर धातु कार्बनों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ हम पहला पॉइंट देखते हैं, एक नाभिकीय कार्बोनिल जिनमें धातु परमाणु का परमाणु क्रम सम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे अक्रिय गैस हैं 36, 54 और 86, इनका जो परमाणु क्रमांक है कैसा है, सम है या इवन है। तो जब इनका क्रम सम होता है तो इसको हम देखेंगे आगे, प्रायः इस प्रकार के सभी एक नाभिकीय कार्बोनिल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स का पालन करते हैं। फॉर एग्जांपल है यहाँ पर निकिल टेट्रा कार्बोनिल, इसमें धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग अगली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है।
तो ये जो पूरा हमें डेफिनेशन पढ़ी है उसको हम एक टेबल के माध्यम से यहां पर समझेंगे कि किस तरह ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स है वो अकेले कैसे किस तरह पालन करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इस टेबल को। सबसे पहले हम पहले कॉलम में लेते हैं कार्बोनिल, दूसरे कॉलम में लेंगे धातु का परमाणु क्रमांक। कहने का मतलब यह है कि जो हमने कार्बन लिया है उसमें कौन सी धातु है और उसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो धातु का परमाणु क्रमांक जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। दूसरा है सीओ द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कहने का मतलब यह है सीओ जो अणु है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो कहने का यहाँ पर अभी एग्जाम्पल से देखेंगे कि एक अणु हुआ तो उसके अकॉर्डिंग दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। धातु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, जो धातु हमारी मेटल है उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक के नियम का नंबर जो होता है वो ए प्लस बी, मतलब कि ये नंबर ए और बी दोनों मिलाएंगे तो ये जो निकलेगा वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है। और ये जो है 36 वो क्या कहलाएगा, अगली अकेली गैस कौन सी यहां पर बनती है उसको हम यहां पर समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। पहला जो है हमारा निकिल टेट्रा कार्बोनिल, जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल है उसमें निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 28। ये 28 होता है। अब हम बात करेंगे सीओ द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। तो यहां पर सीओ जो अणु है वो चार इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है तो चार और एक चार इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो यहाँ 4 × 2 हो गया तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि जो ए और प्लस बी दोनों मिलाए तो 28 + 8 = 36 और ये जो 36 है वो क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है जो कि एक अक्रिय गैस है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो सम होता है। अब हम बात करेंगे अगला एग्जांपल आयरन पेंटा कार्बोनिल। इसमें आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो है 26 और यहां पर सीओ द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10 क्योंकि 5 है यहां पर तो 5 × 2 = 10। तो अब ए प्लस बी मतलब कि 26 + 10 = 36 और ये भी क्या है क्रिप्टॉन 36 जो कि एक अक्रिय गैस है उसके बराबर यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये रूल्स का पालन कर रही है। अब हम बात करेंगे मॉलिब्डेनम हेक्सा कार्बोनिल। इसमें मॉलिब्डेनम का परमाणु क्रमांक होता है 42 और इसमें सीओ समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 × 2 = 12 और धातु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ए प्लस बी होता है। (42 + 12 = 54) जो कि ज़ीनान का परमाणु क्रमांक है और ये एक अक्रिय गैस है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 54। अगला हम देखते हैं ओस्मियम पेंटा कार्बोनिल, जिसमें ओस्मियम का परमाणु क्रमांक होता है 76 और सीओ समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5 × 2 = 10 और यहां पर ए प्लस बी कहने में मतलब है कि मेटल का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है ए प्लस बी वो होगा 76 + 10 = 86 जो कि
रेडान है, और रेडान का जो भी एटॉमिक परमाणु होता है वो 86 है, जो कि एक सम है। तो ये चारों के चारों मतलब कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसका रूल्स का पालन करते हैं, क्योंकि ये क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेडान है, ये हमारे 36 रूल्स का पालन करेंगे। और जो हमारे धातु कानून में प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम है उसका ये पहला पॉइंट था, और इसके दो रूल्स हैं वो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये किस तरह आगे 36 है या 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स का किस तरह पालन करेगा। तो आज हमने बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।